श्री कृष्णा, जय श्री राधे। चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत चर्चा का विषय चल रहा है, तो मैं आपको आज चंद्र ग्रहण के बारे में बता रहा हूँ। सन 2022 चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 मंगलवार को चंद्र ग्रहण है। इसमें बहुत सा कारण क्या है कि ये हमारे भारत के सुदूर पूर्व अरुणाचल इत्यादि क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा, कुछ प्रांतों में दिखाई नहीं भी पड़ेगा, लेकिन ये पूर्ण रूपेण न्यूजीलैंड एवं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उधर इसका पूरा प्रभाव है। किंतु निर्णय सिंधु के अध्ययन करने पर निर्णय सिंधु का वचन है कि अगर किसी देश में छाया मात्र भी अगर दिखाई पड़ती है तो उस देश में यम नियम सूतक मान्य है। अतः मैं आपको ये स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन ग्रहण जो आरंभ होगा वो सायं ग्रस्तोदय यानी कि उदय होगा, उससे पहले ही ग्रहण लग चुका होगा। लेकिन हम जब तक चंद्र उदय नहीं होगा तब तक उसे मानेंगे नहीं। तो चंद्र उदय जो होगा वो हमारा 5:32 भारतीय स्टैंडर्ड टाइम पर होने जा रहा है। इसी रूप में ये लगभग केवल मात्र बहुत ही कम समय का 46 मिनट का एक छोटा खंड ग्रास जिसमें हल्का सा एक हिस्से पर दिखाई पड़ेंगे, तो 46 मिनट का ये अपना ग्रहण है जो 5:32 से शुरू हो करके 6:19 तक मान्य होगा। इसमें बीच में अपन जो ये मान रहे हैं कि 46 मिनट में 23 मिनट, जो 32 में हम 23 मिनट जोड़ेंगे तो 5:54 पर इसका मध्य पर्व होगा। उसके पश्चात पूर्ण जब इसका मोक्ष है वो 6:19 पर होगा। क्या इसके फल हैं और क्या हमें करना चाहिए ये अभी मैं बताने जा रहा हूँ, आप बने रहेंगे वीडियो पर। तब तक मैं आपसे चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर बेल आइकॉन दबाएं और सब्सक्राइब भी करें एवं कमेंट्स और लाइक ज़रूर बनते ही हैं। ग्रहण के समय पर हमें 9 घंटे लिखा है किसी ग्रंथों में, लेकिन निर्णय सिंधु जो हमारे सनातन धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है उसमें लिखा है कि 4 प्रहर, 3 घंटे का प्रहर होता है, 4 प्रहर पहले सूतक आरंभ हो जाएगा। तो ये 8 तारीख मॉर्निंग 5:32 पर सूतक आरंभ हो जाएगा। उसमें बालक, वृद्ध और रोगी तीनों को छोड़कर के बाकी लोगों को भोजन आदि सामान्य रूप से नहीं करना चाहिए। यदि कोई रोगी आदि हैं दवाई आदि लेने तो वो कर सकते हैं। अभी रात्रि के समय उसमें कुसा डाल दें, कुसा का पेड़ होता है बहुत ही पवित्र, उसमें ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। वो हमारे घर के कोने कोने में लगा दें अपने घरों में, और जहाँ भोजन की खाद्य सामग्री सूखी रखी है वहाँ भी अवश्य रख दें। इसका प्रभाव साइंटिफिक वैज्ञानिक रीजन ये है कि जो नेगेटिव ऊर्जा ग्रहण के समय पर उत्पन्न होती है जिसमें नाना प्रकार के बैक्टीरियाज पैदा होते हैं जो मानव जीवन के लिए और प्रकृति के लिए घातक होते हैं, उस जड़ में और उस पत्ते में कुसा नाम की घास में ताकत होती है वो बैक्टीरियाज को नष्ट करने की, इसलिए इसको रखा जाता है। वैसे हमको मानते हैं हमारे धार्मिक पौराणिक सिद्धांत पर कि दूर्वा और हमारी कुसा अत्यंत पवित्र घास हैं, इनको हम जब रख देते हैं तो अपवित्रता दूर होकर के पवित्रता होती है। मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक दृष्टिकोण दोनों ही दृष्टिकोण बनाए। ये भरणी नक्षत्र पर कल का जो हमारा होने वाला ग्रहण है ये मेष राशि वालों को बहुत ही भारी कह सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं, सावधानी की जरूरत है। वैसे तो ग्रहण का काल ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अब हमें मेन चाहिए कि सूतकों में मंदिर सभी बंद रहते हैं लेकिन मंत्र जप करना बंद नहीं होता है, व्रत आदि जारी रहेंगे लेकिन व्रत को खोलना ठीक नहीं है, फिर भी आवश्यक तो होता है। तो जल या गंगा जल लेके या गंगा जल में या जल में कुसा जल लेकर के आप चरणोदक आदि ले सकते हो। इसके उपरांत हवन का सर्वाधिक महत्व ग्रहण के समय बताया गया है। जो पुरुष चरण का फल किसी भी मंत्र का, जैसे मानो गायत्री मंत्र का पुरुष चरण 24 लाख पर होता है,
हमारे महामृत्युंजय का 54 लाख पर जप करने पर होता है। वही पुरुष चरण ग्रहण के काल में जिन जिन मंत्रों का जाप करते हैं उनको पुरुष चरण की फल की प्राप्ति होती है। तो ग्रहण के समय दान करें, विशेष रूप से काले उड़द, काले तिल आदि का दान करें और अन्न दान जरूर करें, गुप्त दान भी करें और उस समय पर हवन करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। हवन गुरु मंत्र का करें या जिस मंत्र की सिद्धि चाहते हैं उस मंत्र का करें। आदित्य ज्योतिष शोध संस्थान के तत्वावधान में जयपुर स्थित यज्ञशाला आजाद नगर टोंक रोड 44 नंबर भवन, वहाँ पर हमारा हवन का आयोजन प्रत्येक ग्रहण, नवरात्रि, दीपावली आदि पर्वों पर होता है। उसी परंपरा की भांति ये ग्रहण काल में भी 8 नवंबर को आप लोग जो हवन में आने वाले हैं सभी सादर आमंत्रित हैं। 5 बजकर के सायंकाल हम लोग 5:25 पर आसन आरूढ़ हो जाएंगे। कुछ देर कीर्तन आदि करके 5:31 पर संकल्प की प्रतिक्रिया शुरू और हवन होगा। फिर उसके ठीक 24-23 मिनट के बाद 5:54 पर हम थोड़ा शुद्धिकरण का विधान करेंगे, यानी कि पर्व देंगे, छींटा देंगे गंगा जल आदि के और पुनः हवन आरंभ होगा। तो शुद्धिकरण हमारा, मोक्ष इसको कहते हैं, वो 6:19 पर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में किए जाने वाला जप तप व्रत हवन अनुष्ठान हमारे लिए अनंत अनंत गुना फल देने वाले होते हैं। तो सभी इन पर्वों का लाभ उठाएं, अपने जीवन में सफलता की कुंजी को पाएं और सफलता का द्वार खोल करके आगे बढ़ें। यही ग्रहण आदि पर्वों का विशेष पर्व कहा गया है। आज के वीडियो में इतना ही ग्रहण के बारे में। जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।